गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। हम इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट के बारे में जानेंगे, तो आइए देखते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। तो हमने क्लास 9th से यही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं मैटर के बारे में। तो मैटर क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। क्या होता है मैटर? मैटर हमारे सराउंडिंग जो भी चीज़ें क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और पर्टिकुलर मास होता है, इसे हम क्या कह रहे हैं? मैटर। तो मैटर जो है वो थ्री फेजेस में डिवाइडेड होता है, एक तो गैस, लिक्विड और सॉलिड। ये मैटर के थ्री स्टेट्स होती हैं, क्लियर। तो हमने ये चीज़ें 9th में भी पढ़ी हैं, 10th में भी पढ़ी हैं, 11th में भी पढ़ी हैं। अब हम 12th में इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो उसके टाइप्स होते हैं मैटर के, वो किस तरीके से होते हैं। तो हमें पता है कि जो गैस होता है वो रैंडमली पैक्ड होता है, इनके इसका इंडेफिनाइट शेप होता है, इंडेफिनाइट वॉल्यूम होता है, मोर कंप्रेसिबिलिटी होती हैं, रिजिडिटी नहीं होती है। लिक्विड जो होता है लूजली पैक्ड होता है, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ये लेस कंप्रेसिबिलिटी होती है इसमें। सॉलिड अगर देखें तो सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होने के कारण रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, सॉलिड का जो कह सकते हैं हम शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, कंप्रेसिबल नहीं होता है, और इसमें क्या होता है आपका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड शेप होता है, इसकी रिजिडिटी ज़्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं। तो ये तीन स्टेट होते हैं मैटर के। हम थोड़ा पिक्चर के थ्रू देखते हैं कि जो गैस होता है उसका जो मॉलिक्यूल कैसे होंगे, बिल्कुल इस तरीके से कि बिल्कुल आप जहाँ बोल सकते हैं कि फ्रीली मूव करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर किसी रूम में इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती जलाते हैं तो हमारे पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है, तो जिससे इसकी फ्लुइडिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये कोई फिक्स्ड इसका वॉल्यूम भी नहीं होता, आप जिस भी कंटेनर में इसको फिल करेंगे वो उसी कंटेनर के उस कंटेनर में जितना वॉल्यूम होगा उस कंटेनर का उतना वो गैस का भी वॉल्यूम माना जाता है। अब उसके शेप की बात करें तो आप किसी भी कंटेनर में लें तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। आपने देखा होगा कि जब हम बलून को ब्लो करते हैं तो वो जो गैस होता है वो बलून के शेप में आ जाता है। तो इसीलिए जो गैस का हम बोल सकते हैं कि फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है और फिक्स्ड शेप भी नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स की। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अभी मैंने आपको बताया है, आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो, जो कि रैंडमली पैक्ड होता है, इनके बीच में स्पेस होता है, पर्टिकुलर स्पेस होता है। इसलिए हम अगर बात करें कि पानी एक बकेट में हमने वाटर ले लिया और उसके अंदर हमको हैंड का मूवमेंट करवाना है तो वो ईजिली मूव करता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इसी की वजह से इसका जो वॉल्यूम होगा, एक तो इसका सॉरी शेप जो होगा वो क्या होगा, फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है फिक्स? आप इसको जिस भी कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर का शेप ले लेगा। अगर हम उसको बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के शेप में वो पूरा फिल हो जाएगा जितना उसको फिल होना रहता है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। देन हम बात करें सॉलिड की, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड मॉलिक्यूल्स। अगर हम सॉलिड के मॉलिक्यूल्स देखें तो क्लोजली पैक्ड होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसके पार्टिकल्स का बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और क्लोजली पैक्ड होने के कारण इसमें रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर मैं बोलूँ कि मेरे सामने जो वॉल है उस वॉल में अगर मैं पंच करूँ तो क्या मेरा हाथ वॉल के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होने के कारण उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण वो इतना क्लोजली पैक्ड होता है कि उसमें आप स्पेस नहीं होता है, तो आपका हाथ भी उसके अंदर नहीं जाएगा। तो ये आपका क्या है, सॉलिड मॉलिक्यूल। सॉलिड मॉलिक्यूल्स को हम और आगे अच्छे से समझते हैं। व्हाट इज़ सॉलिड? सॉलिड क्या होता है? सॉलिड में डेफिनाइट शेप होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है,
रिजिड होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हेल्ड क्लोजली बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। फिक्स्ड पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे उसका जो पोजीशन होगा वो फिक्स्ड होगा। क्या होगा? फिक्स्ड होगा, वो इधर से उधर मूव नहीं करेंगे। जैसे अगर आप गैस और लिक्विड की बात करें तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए इनकी फ्लूडिटी होती है, इनमें फ्लूडिटी होती है। लेकिन सॉलिड की अगर बात करूँ तो सॉलिड में फ्लूडिटी नहीं होता है। इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं। अगर आप पानी को मूव करवाएं, सॉरी पानी को फ्लो करवाएं तो वो इजीली फ्लो हो जाता है। बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स की। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या है, कि दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। इनका डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होता है, और शेप भी इनका क्या होगा, डेफिनेट होगा। अगर आपके सामने पेन रखा है या बुक रखी है या फ़ोन रखा है तो आप देखोगे कि ये सॉलिड स्टेट में है, इनका जो शेप होगा वो डेफिनेट होगा। क्या आप इनका शेप चेंज कर पाओगे? नहीं। तो इनका जो शेप होगा, मास और वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, डेफिनेट होगा। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या स्पेस की बात करूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, इनमें जो स्पेस होता है बहुत कम होता है। इनके जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। देन थर्ड, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे हमने बात की है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स की। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, और वही छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है, तो एटम क्या है, बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर होता है। किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का क्या होगा, जो पार्टिकल होगा वो क्या है, आपका एटम होता है। ठीक है, अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें या आयन की बात करें तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या होती हैं, जो दो और दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। ठीक है, वो अपनी ही पोजीशन में ऑसिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इनका एक फिक्स्ड पोजीशन होता है। तो दे आर कंप्रेसिबल एंड रिजिड, सॉरी इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। तो जो सॉलिड होते हैं तो वो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। क्या आप इसको कंप्रेस कर पाओगे? आपके पेन को कंप्रेस करो और उसको छोड़ो तो वो वापस अपनी प्लेस में आता है क्या? नहीं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं और रिजिड होते हैं। रिजिड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। और क्लोजली पैक्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैं एक बात मतलब इसको और थोड़ा सा क्लियर करूँ, तो अगर हम क्या करें, ब्लॉक ले लेते हैं, एक वुड का ब्लॉक ले लेते हैं, सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसी कारण कोई भी चीज़ सॉलिड में डिफ्यूज़ नहीं हो सकती है, मिक्स नहीं हो सकती है, ना शेप चेंज कर सकती है, और ये बहुत रिजिड होती है। रिजिड का मतलब हार्ड। ठीक है, सॉलिड जो है वो क्या है, रिजिड होती है। तो मैंने भी बताया है कि आप एक वुड का ब्लॉक लेके और जितनी भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताई हैं उसके अकॉर्डिंग उसको आप देखो और उसको क्या करो, रिकॉग्नाइज करो कि क्या ये वाकई में जो पॉइंट्स मैंने बताई हैं वो उसमें अप्लाई हो रही हैं, तो वो बिल्कुल उसमें अप्लाई होंगी। तो हमने अभी सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड मतलब सॉलिड जो है उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। किस बेसिस में? उसके एटॉमिक अरेंजमेंट, बाइंडिंग एनर्जी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई करते हैं हम उसको दो पार्ट्स में, क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड। किस में? क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड में। ठीक है, अगर
यहाँ पे इसके टाइप्स जो हैं उसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, क्लियर। देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होती हैं, तो क्रिस्टल जो है वो कंटीन्यूअस होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं लेती हूँ NaCl, तो NaCl का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या देखते हैं स्ट्रक्चर, तो NaCl इस तरीके से उसका जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, एक रेगुलर मैनर में होगा, एक कंटीन्यूअस में होगा। तो एक Na के बाद एक Cl, फिर Cl के बाद एक Na, इस तरीके से अल्टरनेटिवली रिपीटेड यूनिट से तैयार होते हैं, तो इसे ही हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, ठीक है। अब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक लॉन्ग रेंज से बनता है, लॉन्ग रेंज से बनता है मतलब बहुत लंबे लंबे, इसके बहुत बड़े बड़े रेंज होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि लॉन्ग चेन हो गया, लॉन्ग रेंज में बनते हैं, जैसे NaCl, इस तरीके से ये लॉन्ग रेंज में बनाता है, ठीक है। देन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्या होता है, एनआइसोट्रॉपिक होता है। एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है, क्रिस्टल्स इज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अलोंग विद डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। आप उसको जिस तरीके से भी देखो, किसी भी उसके अरेंजमेंट या किसी भी साइड से आप उसको देखोगे, वो क्या होगा, डिफरेंट अरेंजमेंट में पाया जाएगा, ठीक है। और सिंस द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज डिफरेंट अलॉन्ग विद डिफरेंट डायरेक्शन, द वैल्यू ऑफ सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इज फाउंड टू बी डिफरेंट अलॉन्ग ईच डायरेक्शन। आप किसी भी डायरेक्शन में देखो, उसका जो एक डायरेक्शन में जो उसका अरेंजमेंट होगा वो पर्टिकुलर क्या होगा, पार्टिकल्स के जो अरेंजमेंट होंगे डिफरेंट डायरेक्शन में अलग होगा, ठीक है। लेकिन उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी पाई जाएगी वो क्या पाई जाएगी, सेम पाई जाएगी, क्लियर। तो ये होता है आपका एनआइसोट्रॉपिक क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं इसकी, एमरफस। एमरफस सॉलिड में क्या होता है कि जब हम इसको डिराइव करें कि ए जो है, अगर ए को देखते हैं तो ए का मतलब होता है नहीं, और अमॉर्फ का मतलब होता है जिसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, इसको हम स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं, फॉल्स सॉलिड भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं ग्लास का, तो हमें पता है जो ग्लास होता है वो लिक्विड सॉलिड लिक्विड होता है, उसे इतना कोल्ड कर देते हैं कि उसका जो टेम्परेचर होता है इतना लो कर देते हैं कि सॉलिड स्टेट के शेप में ले लेता है, तो जो ग्लास है उसको सुपर कूल्ड मटेरियल कहा जाता है, ठीक है। तो जो ग्लास होता है उसे क्या कहा जाता है, सुपर कूल्ड सॉलिड। तो यहाँ पे हम देखते हैं एमरफस जो होता है वो शॉर्ट रेंज से बनता है, यहाँ से हम एमरफस को नहीं पढ़ते हैं इस चैप्टर में, क्रिस्टलाइन को आगे पढ़ेंगे। बाकी एमरफस का हम थोड़ा बहुत और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जैसे एमरफस सॉलिड जो है वो आइसोट्रॉपिक होता है, तो एमरफस आइसोट्रॉपिक नेचर होते हैं, क्यों, बिकॉज देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन दैम, एंड अरेंजमेंट जो होता है वो इरेगुलर होता है किसी भी डायरेक्शन में, देयर फॉर वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी वुड बी सेम अलॉन्ग एनी डायरेक्शन, क्लियर। देन अगर हम इसको देखें कि ये जो होता है नो रेगुलर बट हैफाजर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ऑल्सो कंसिडर्ड एज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और सुपर कोल्ड लिक्विड्स, क्या बोला जाता है, सुपर कोल्ड लिक्विड। जिस पहले जो मैंने आपको बताया था कि सुपर कोल्ड मटेरियल कहा जाता है, तो ये जो एमएफएस होते हैं ये क्या होते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड्स होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहा जाता है। ऑल्सो कंसिडर्ड एज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और सुपर कोल्ड लिक्विड्स, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके आइसोट्रॉपिक इन नेचर का, तो हमने ये बताया कि ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, ये इसका जो अरेंजमेंट होगा वो इरेगुलर होगा, और ये लॉन्ग रेंज में नहीं बनता है,
ठीक है। और इसमें जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में अगर हम उसको देखें तो फिज़िकल प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, जो उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी अलॉन्ग एनी डायरेक्शन। देन नो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, सॉरी फिज़िकल शेप जो उसकी होगी, सॉरी फिज़िकल प्रॉपर्टी जो होगी वो सेम नहीं होगी। और नो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होगा, डू नॉट गिव एक्सरे डिफ्रैक्शन बैंड्स, इसमें एक्सरे डिफ्रैक्शन बैंड्स नहीं होगा। जैसे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में पढ़ा है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है, और यहाँ पे एक्सरे डिफ्रैक्शन बैंड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक्स हैं, ये सब क्या होते हैं, एमरफस सॉलिड्स होते हैं। ये जो है हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड का हमने डिफरेंशिएट देखा है, अभी हमने इसको इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो देखी है, अब हमारे जो इसके जो डिफरेंशिएशन है वो हम देखते हैं कि क्या होता है। तो एमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमने पढ़ा है कि क्या होता है, सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन और एमरफस ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। देन क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स, ईच ऑफ देम हैविंग अ डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। इन अ क्रिस्टल द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज ऑर्डर्ड, इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर विच मीन्स दैट देयर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स विच रिपीट्स इटसेल्फ पीरियोडिकली ओवर द एंटायर क्रिस्टल। तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे एमएफएस सॉलिड्स के लिए बता रखा है कि अन एमएफएस सॉलिड कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इरेगुलर शेप, द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सच अ सॉलिड हैज़ ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इन सच एन अरेंजमेंट अ रेगुलर एंड पीरियडिकली रिपीटिंग पैटर्न इज ऑब्जर्व ओवर अ शॉर्ट टेंस, ओनली सच पोर्शंस आर स्कैटर्ड एंड इन बिटवीन द अरेंजमेंट इज डिसऑर्डर। तो हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, हमने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, आप एक बार इसको डिटेल में और अच्छे से देख लीजिएगा, और ये आपके नोट्स में और इसको आगे पढ़ने में भी हेल्प करेगा। क्लियर। नाउ हम जाते हैं कहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, आयनिक क्रिस्टल्स, कोवेलेंट क्रिस्टल्स, मॉलिकुलर क्रिस्टल्स और मेटेलिक क्रिस्टल्स। तो ये चार क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, आयनिक क्रिस्टल्स। क्लियर। देन तो देखते हैं आयनिक क्रिस्टल्स, आयनिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इनके जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो किस तरीके से ऑक्यूपाइड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से। ये हार्ड और ब्रिटल सॉलिड होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। हाई क्यों होते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो कैसे होगा, क्योंकि इसके दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं, इसके दोनों पॉइंट्स में क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के चार्जेस होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए इनको तोड़ना ईजीली तोड़ नहीं सकते, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, अगर हम बात करें NaCl की, तो जब हम NaCl लेते हैं तो ऐसे सॉलिड स्टेट में है तो उसमें अगर हम करंट को फ्लो करें,
या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करे तो वो गुड कंडक्टर नहीं होता, वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करता है क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में होता है। लेकिन जब वो अपने मॉल्टन स्टेट या लिक्विड स्टेट में होगा, अगर हम पानी में नमक को घोल दें और उसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाए तो ईजिली वो करंट को कंडक्ट करेगा। तो जब वो मॉल्टन स्टेट में होगा तो वो क्या होगा, गुड कंडक्टर्स होगा। बट अगर सॉलिड स्टेट में है तो वो क्या है, पुअर कंडक्टर होगा। पैकिंग ऑफ स्फेयर्स डिपेंड्स अपॉन, जो उसका पैकिंग ऑफ स्फेयर होगा वो किसी कुछ चीज़ों पे डिपेंड होता है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड स्पीसीज प्रेजेंट, डिफरेंस इन द साइज ऑफ एनायंस एंड कैटायंस, टू टाइप्स ऑफ होते हैं ये कौन कौन से, ए बी टाइप्स और ए बी वन टाइप्स। आयनिक सॉलिड्स अभी हमने देखा है क्या होता है, आप इसको रीड करना और इसको थोड़ा और अच्छे से समझना, क्लियर। हम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जो NaCl हमने लिया तो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये क्यों होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि Na पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। देखो कोवेलेंट क्रिस्टल्स क्या होते हैं, जो कि नॉन मेटल्स जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इनका रिजल्ट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एडजेसेंट एटम, मतलब दो ऐसे एटम्स जिनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है। अगर मैं CH4 का एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन की चार वैलेंसीज होंगी और हाइड्रोजन के पास एक एक होगा, तो ये क्या करेंगे, चारों हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी को, मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शेयर करते हैं और वहाँ पे क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, आपको समझ में आया, तो कोवेलेंट बॉन्ड और नेटवर्क, कोवेलेंट क्रिस्टल्स और नेटवर्क क्रिस्टल्स हम क्या कौन से होते हैं, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। कौन बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है, और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, ये जो है नॉन मेटल्स से जो सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल से बनते हैं, इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इनके एडजेसेंट एटम जो होंगे थ्रू आउट द क्रिस्टल्स क्या बनाएंगे, ये एडजेसेंट एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो कोवेलेंट क्रिस्टल्स हैं उनके कुछ पॉइंट्स, तो यहाँ पे देखिए लैटिस पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय न्यूट्रल एटम, जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो कैसे ऑक्यूपाइड होते हैं, उनके जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, जो एटम्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बनते हैं, और इनका जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, हार्ड सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, क्या होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। टू कॉमन एग्जांपल्स इनके हैं डायमंड और ग्रेफाइट, इसके जो दो कॉमन जो एग्जांपल होते हैं वो क्या है, डायमंड और ग्रेफाइट होते हैं। तो यहाँ पे कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड के कुछ पॉइंट्स और दे रखे हैं जिनको आपको रीड करना है और इनके नोट्स भी प्रिपेयर करते जाना आप साथ के साथ में, क्लियर। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स देखते हैं, तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वंडरवाल्स फोर्सेस, यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, वंडरवाल्स फोर्सेस अप्लाई होती हैं, ठीक है। ये जो सॉलिड्स होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट्स भी इनका क्या होता है, बहुत कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, ये क्या होती है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। तो जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं इनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनता है, इनके बीच में क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो, जैसे क्लोरीन क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, तो जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स देखते हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायटमिक फॉर्म में पाया जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है क्योंकि वो फ्री एग्जिस्ट नहीं करते हैं।
तो यहाँ पे मॉलिकुलर सॉलिड सॉलिड को हमने फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, कौन कौन से, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड में, ठीक है। इनको हम फर्दर स्टडी करते हैं कि पोलर बॉन्डिंग क्या होती हैं। तो जब पोल्स पे चार्जेस का जो इंबैलेंस क्रिएट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें हाइड्रोजन से, तो क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण जो क्लोरीन है उसमें पार्शियल नेगेटिव का चार्ज अप्लाई होगा और हाइड्रोजन पर क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। जो उस हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज लगेगा वो कौन सा लगेगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज लगेगा। तो इसी को हम पोलर बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं HCl अमोनिया का, ठीक। और नॉन पोलर बॉन्डिंग किसे कहा जा रहा है, जिसमें हमारे जो चार्जेस पोल पर जो चार्जेस होते हैं एलिमेंट्स म्यूचुअली, मतलब एलिमेंट्स जो होंगे पोल पर उसके जो चार्जेस होंगे वो म्यूचुअली कोवेलेंट बॉन्डिंग होंगे, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं और उनके जो चार्जेस कोई भी इम्बैलेंस नहीं हो रहा है, उन पर जो चार्ज होगा वो इम्बैलेंस नहीं होगा। तो दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो ये नॉन पोलर बॉन्डिंग में आते हैं, जैसे एग्जाम्पल है H2I2CO2। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास H2O, वाटर। तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही अपना मॉलिक्यूल बना पाता है। तो ये जो बॉन्डिंग हाइड्रोजन के थ्रू होता है उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, कि जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटेलिक क्रिस्टल्स। तो मेटेलिक क्रिस्टल्स क्या होती हैं, मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं दोस हु हैव टेंडेंसी टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन एंड टू बिकम इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन्स, जो इलेक्ट्रॉन को अपने ऑक्टेट में से रिमूव कर देते हैं और इन ऑर्डर टू अटेंड कंप्लीट ऑक्टेट रूल। तो मेटेलिक सॉलिड्स क्या हो गई, जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है Fe, मतलब आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है, मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं। तो मेटेलिक सॉलिड क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, लैटिस पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय पॉजिटिव मेटल्स आयन, क्लियर। तो पॉजिटिव मेटल आयन्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं, सराउंडेड बाय अ सी ऑफ मोबाइली, सॉफ्ट टू वेरी हार्ड, ये सॉफ्ट टू वेरी हार्ड होते हैं। मेटल्स हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैलिएबल एंड डक्टाइल, ये मैलिएबल भी होते हैं और डक्टिलिटी भी इनकी होती है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स रिमेन डीलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर क्रिस्टल। डेंसिटी इनकी क्या होगी, हाई डेंसिटी के होंगे। अब आपने देखा होगा मैलिएबल और डक्टाइल, मैलिएबल और डक्टाइल आपको पता है कि क्या होता है। तो यहाँ पे मेटेलिक क्रिस्टल्स हमने देख लिए, ठीक है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हमने देखी या जो क्रिस्टलाइंस के क्लासिफिकेशन हमने देखे हैं, ठीक है, उनको थोड़ा डायग्राम के थ्रू यहाँ पे उनके एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप इनको देखिए। और यहाँ पे आपका पार्ट वन कंप्लीट होता है, आगे का हम पार्ट टू में स्टार्ट करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू।